आज मैं बनाने जा रहा हूँ सुपर टेस्टी फिश करी। अगर जो आप हमारे तरह से जो मैं बताने वाला हूँ उस तरह से आप फिश करी एक बार बना लिए ना, तो हमेशा आपको इसी तरह के बनाना पसंद करेंगे। हमने यहाँ पर रेहू मछली का यूज किया, आप चाहे तो कतला, पेम्पलेट, कोई भी मछली का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सुपर टेस्टी सरसों वाली फिश करी बनाने शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपना स्वाद में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सरसों वाली फिश करी बनाने के लिए हमने सबसे पहले 100 ग्राम लगभग लहसुन लिया है, अच्छे से इसका छिलका को निकाल दिया है। ये फिश करी में थोड़ा लहसुन ज़्यादा देना ज़रूरी होता है, और हम यहाँ पे 6 पीस लगभग हरी मिर्च ले रहे हैं। आप चाहे तो लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं, और साथ में हम एक मीडियम साइज का प्याज लिए हैं। ये तीनों को हम क्या करेंगे, इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेना, हल्का सा पानी डाल दीजिए, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, एकदम फाइन पेस्ट है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा देते हैं, साबुत जीरा, और 1 चम्मच हम धनिया देते हैं, साबुत धनिया है, और लगभग 10-12 पीस ये काली मिर्च है, और 2 चम्मच हम इसमें सरसों का यूज़ कर, आप चाहे तो पीले वाले सरसों का भी यूज कर सकते हैं। ये पीले वाला इससे बेटर होता है, ये ज़्यादा कड़वा होता है, पीले वाला थोड़ा कम कड़वा होता है। इसका भी अच्छा से फाइन पेस्ट पर तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमारा मसाले का पेस्ट तैयार हो चुका है, लगे हाथ हम इसमें तो टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसे हम इसका भी हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, लगभग हमारा मसाला सब तैयार हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। हमने यहाँ पे लगभग 750 ग्राम लगभग फिश लिया है, हमने 1 किलो लिया है, लेकिन सफाई करने के बाद 750 ग्राम बचा हुआ है, और इसे हम अच्छे से धो दिए 2-3 पानी से, और साथ में 1 छोटा चम्मच हल्का नमक लेंगे स्वाद अनुसार, और साथ में हम 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद हम 1 चम्मच छोटा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देते हैं। हमने जो पेस्ट तैयार किया था लहसुन और प्याज और हरी मिर्च का, उसका हम 2 चम्मच इसमें डाल देते हैं, और साथ में आप नींबू का रस डाल देते हैं। आप चाहे तो नींबू का रस स्किप भी कर सकते हैं। इसका एक अच्छा सा कोट तैयार कर लेते हैं, अच्छे से इसको मिला देते हैं, इसके ऊपर कोट चढ़ा देते हैं, और 10 से 15 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ दें। दोस्तों बहुत लोग को शिकायत रहता है कि हम मछली जब भी फ्राई करते हैं फिश को, तो वो नीचे तवा में चिपक जाता है। तो आप जब भी फिश को फ्राई कीजिए तो पेन हो, कुछ भी हो, जो भी बर्तन हो, उसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। अच्छे से अगर जो गर्म होगा ना, तो वो चिपकेगा नहीं। देखिए हमने अच्छे से गर्म कर दिया है, और सरसों का तेल का यूज़ कर रहे हैं। मछली में आप जब भी कोशिश कीजिए सरसों का तेल से ही बनाइए, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए हमारा सबको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा, ये हमारा लगभग 8 पीस है, इसे हम फ्राई कर लेते हैं, और अच्छे से फ्राई करना है, एकदम पूरा लाल करके फ्राई करना है, ताकि हम आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और थोड़ा हल्का सा लाल ज़्यादा करने से क्या होगा, जब भी आप ग्रेवी बनाइएगा तो फिश टूटेगा नहीं, और एकदम अच्छा सा पीस निकलेगा, ये टूटेगा नहीं। ये हमारा हो चुका है, आप चाहे तो ऐसे खा सकते हैं, इसे चटनी के साथ खा सकते हैं। देखिए हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी अपने घर में जो भी मेहमान हो, बच्चे हो, सो खिला सकते हैं। ये देखिए कोई भी चटनी ले लीजिए, हरी चटनी वगैरह तीखा ले लीजिए, या जो हमारा बचा हुआ उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। चलते हैं ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में। हमने यहाँ पे एक पैन लिया, अच्छे से इसे भी गर्म होने दिया है, और इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। आप जब भी फिश बनाइए तो कोशिश कीजिए कि आप सरसों के तेल से ही बनाए, इससे क्या होगा, इसका एक टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ में साबुत जीरा थोड़ा सा डाल देते हैं, और हमने जो पेस्ट तैयार किया था लहसुन का पेस्ट तैयार किया था, लहसुन मिर्च और प्याज का, उसे डाल देते हैं। थोड़ा सा इसे हम हल्का सा इसका कच्चापन निकलने देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मसाला डालेंगे। ये देखिए अच्छे से इसे कच्चापन निकल चुका है। अब हम इसमें जो हमारे और भी मसाला तैयार किए थे, धनिया, जीरा, ये काली मिर्च सब का, इसे हम डाल देते हैं, और एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में इसे अच्छे से मसाले, दोस्तों मसाला की भुनाई बहुत ज़रूरी होता है फिश करी में। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, और हल्दी पाउडर थोड़ा सा और डाल देते हैं लगभग 1 चम्मच, और लगभग 1 चम्मच हम कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देते हैं इसमें, और इसे
अच्छे से मसाला को भूनना है, क्योंकि जब तक आप मीडियम टू लो फ्लेम में मसाला को नहीं भूनिएगा और इसका एक फ्लेवर नहीं बाहर आएगा, तब तक आपका फिश करी अच्छा नहीं बनेगा। साथ में हम धनिया का पत्ता डाल देते हैं, डंठल वगैरह सब डाल देते हैं, क्योंकि डंठल वगैरह में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिश करी में। और अच्छे से मसाला को भूनते हैं, थोड़ा 5 मिनट भूनते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे फिश करी मसाला लिया है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, है तो दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और इसे अच्छे से अब मसाला को एकदम अच्छे से भूनना है। अब इस स्टेज पे हम टमाटर पिसा हुआ जो है हम डालते हैं। जब मसाला हमारा लगभग 80% पक जाएगा तब आप टमाटर डालिए, पहले टमाटर मत डालिए। देखिए हमने टमाटर डाल दिया, अच्छे से इसे भी भूनना है, 20% और भूनना है। ये देखिए हमारा 100% मसाला पक चुका है, एक दूसरे में चिपक गया मसाला, ऑयल बाहर आ चुका है। अब हम इस आप चाहे तो थोड़ा गर्म पानी डालें तो अच्छा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से इसे उबाल आने दीजिए पानी में। ये देखिए हमारा उबाल आ चुका है, और आप फिश सारे फिश को इसमें डाल दीजिए और इसे लगाओ मीडियम फ्लेम पे। आप लो फ्लेम नहीं कीजिएगा, नहीं तो तरह टूटने का चांस रहता है मछली का, फिश का। तो आप एकदम मीडियम फ्लेम में रखिए, 10 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए, ताकि इसका ग्रेवी थोड़ा अच्छा बने। और साथ में थोड़ा सब धनिया पत्ता डाल देते हैं। ये हमारा 10 मिनट हो चुका है, देखिए हमारा फिश करी तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। दोस्तों कैसा लगा हमारा रेसिपी? अगर जो आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो पूरा देखते रहिए। ये देखिए आप चाहे तो चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हम इसे सर्व करके आपको दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा हम खीरा डाल देते हैं इसमें। आप दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और हमें बताएं कि आप कौन से स्टेट से हैं और कैसा लगे।